पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईतील दोन मेट्रो मार्गांचं लोकार्पण पार पडलं. त्यानंतर मोदींनी या मेट्रोतून अंधेरी ते मोगरापाडा जोगेश्वरी दरम्यान प्रवासही केला. गुंदवली स्थानकात तिकीट काढून ते मेट्रोत बसले. यावेळी त्यांच्यासोबत काही तरुण तरुणी तसंच मुंबईकरांनी मेट्रोनं प्रवास करण्याची संधी मिळाली. मोदींनी त्यांच्याशी गप्पा मारल्या. मेट्रो उभारणीत हातभार लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशीही त्यांनी संवाद साधला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील या मेट्रो प्रवासात त्यांच्या सोबत सहभागी झाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं मेट्रो की सवारी में. और वो मोमेंट डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है. और फिर जब हम उनके साथ जाके बैठे, उनसे बातचीत की, उन्होंने हमसे कॉन्वर्जेशन की, वो ऐसा पल है कि आप कभी भुला नहीं सकते हो. हमें पूछा कि आप मेट्रो से अगर ट्रैवल करते हो तो आपका कितना टाइम बचता है. ऑलमोस्ट लाइक 30-40 मिनट्स हमारा बचता है. एंड दैट इज़ द टाइम जो उन्होंने बोला है कि वो टाइम के लिए हमें घर पर योगा करना चाहिए. और हम सब ने उनको वादा दिया है कि हम सब योगा करेंगे और हमारी सेहत का ख्याल रखेंगे. उनको ऐसा मिलके लगता नहीं है कि जैसे जिस तरीके से वो बात करते कि वो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमें ऐसे ट्रीट करें जैसे कि हम उनको बहुत समय से पहचानते हैं, हम घर वाले हैं. मतलब बहुत डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं, बड़े छोटे में कोई फर्क नहीं समझते. एवरीवन इज वन फॉर देम फॉर हिम. मतलब सब कुछ सबको एक समान समझते. वो उनकी बात सबसे अच्छी लगती है हमें. मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे हमें. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे